हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जगदीप ब्रार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए की जो बुक है क्षितिज भाग दो हमने कंटिन्यू की हुई थी, ठीक है। उसमें हम आज गद्य खंड का हमने जो कंटिन्यू किया उसका पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। ये इसके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। इस पूरे पाठ का सार जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नौबत खाने में इबादत पाठ है, ये हमारे जो शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्ला उस्ताद बिस्मिल्ला खान के ऊपर ऊपर निर्धारित है, यानी कि उनके ऊपर लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। उनकी स्टोरी को इसमें बताया गया है कि उनकी लाइफ को बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और हिंदी फ्रेंड्स, जल्दी आपकी कम्प्लीट हो जाएगी आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए, हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग दो का गद्य खंड का पार्ट नंबर 16 नौबत खाने में इबादत लिखा किसने, यतीन्द्र मिश्र का। पूरे पाठ का सार चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यतीन्द्र मिश्र का परिचय। साहित्य और कलाओं के सर्वंदर सर्वदन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ, उत्तर यूपी में अयोध्या शहर में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की, एमए किया। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के सर्वद्रण और अनशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। उनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ दृशात साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन करें। आजकल वो कौन सी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, इन पत्रिका। प्रमुख रचनाएं, अब तक यतीन्द्र मिश्र की 3 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। यदा कदा अयोध्या तक अन्य कविताएं डीओडी पर अलापद। भाषा शैली, यतीन्द्र की भाषा सरल होती है, सहज होती है और प्रभावमय और प्रशासन गुणूल होती है। उनकी रचनाओं में संवेदना एवं भावुकता का अद्भुत संगम दृष्टिकोण होता है। चलिए आप पूरे बात को डिस्कस करते हैं। अमरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। अमरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ, बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इसका बड़े भाई का नाम शुभसुद्दीन था, जो उम्र में इनसे 3 वर्ष बड़े थे, जो इनसे तीन साल बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बखब खान था तथा माँ मिठन थी। माँ का क्या नाम था मिठन, ठीक है। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। 5-6 वर्ष के होने पर 5-6 वर्ष जब वे के वे हुए तो अपने गांव को छोड़कर डुमराव को ननिहाल काशी आ गए। ननिहाल यानी कि उसके नाना के घर काशी में आ गए। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वो कहाँ शहनाई बजाते थे, बालाजी के मंदिर। अब एक बार मुसलमान जो होता है वो बालाजी को आपने देखा होगा, तो ये देखो सकते हैं आप कितने वो एक मुस्लिम होकर भी एक क्या होते हैं, बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि धर्मों में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। धर्म वैसे भी कोई फ़र्क होता ही नहीं है, ठीक है।
वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। क्या होता था, विभिन्न रियासतों, जैसे कि मुगल रियासत हो गई, ठीक है, वो अलग अलग रियासतें होती थी, तो वहाँ पर भी क्या करते थे, शहनाई उन्हें बुलाया जाता था और ये शहनाई बजाने वहाँ पर जाया करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्ला खान बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ननिहाल में वह 14 साल के हुए बिस्मिल्ला खान, तो उन्होंने ना बालाजी के मंदिर में अपना जो है शहनाई बजाने का रियाज जो है करना शुरू कर दिया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती। उन्हें वहाँ जाने का एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ पर उन्हें रसूलन और बतूलन भाई की गीत सुनाई देती थी। वो भी क्या करते थे, गीत वगैरह गाया करते थे, तो उन्हें उनके गीत वगैरह सुनकर बहुत अच्छे लगते थे। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई, ठीक है। और इन्होंने ये भी स्वीकार किया कि रसूलन और बतूलन भाई का जो गीत सुनकर ही मेरे अंदर प्रेम संगीत के प्रति जो है प्रेम पैदा हुआ है, ठीक है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, भले ही वैदिक इतिहास में आपको वैदिक कल्चर में इतिहास में वैदिक हिस्ट्री में आपको शहनाई का जो है जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित है। लेकिन जो भी शुभ काम होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात ये मंगल ध्वनि का संपूरक है, इसे मंगल ध्वनि भी कह सकते हैं। बिस्मिल्ला खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बताया। इन्हें शहनाई से इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि ये जब 80 साल की उम्र हो गई इनकी, तब भी इन्होंने जो है अपने 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के जो सच्चे सुर है उसको पाने की प्रार्थना में बिताया, ठीक है भाई। मुहर्रम के 10 दिनों बिस्मिल्ला खान अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। ये मुहर्रम के 10 दिन जो है ना ही शहनाई बजाते थे पूरे खानदान के साथ और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। आठवीं तारीख को वह शहनाई बजाते और दालमंडी से फातम मान की 8 किलोमीटर की दूरी तक बींगी आंखों से नौहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगा देते। क्या होता था कि ये फिर 8वीं तारीख को शहनाई बजाते थे और दालमंडी से फातमान की ये जगह है, इनकी 8 किलोमीटर तक ये दूरी बींगी आंखों यानी कि रोते हुए शहनाई बजाकर आंखों से नौहा बजाकर जो है निकलते हुए सबकी आंखों ये क्या करते हैं सबको रुलाते थे। यानी कि क्या होता है, ये 8वें दिन रोते हुए जो है शहनाई बजाते या फिर नोहा बजा कर ये जाते थे कहाँ तक, दाल मंडी से फातमान। ये इनकी मतलब इनका कोई होगा आपको पता नहीं। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। जब उन्हें थोड़ी काम से फुर्सत मिलती थी तो वे अपने उस्ताद और अब्बा जान का काम याद कर अपनी जो पसंद का उनकी पसंद अभिनेत्री थी कौन सी, सुलोचना गीतावली, उनकी जो फिल्में उन्होंने देखी थी उनको याद किया करते थे। वे अपने बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना की को शहनाई बजाते हुए सुनता था, और वो अपने बचपन की घटनाओं को भी याद करते कि कैसे वो है नाना जी छुपकर नाना की जो शहनाई है उसके बारे में सुनता था, तथा बाद में उनकी मीठे शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की, ठीक है, और मतलब क्या शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटककर दाद देते। वो मतलब अब उनकी शहनाई बजाते सुनते थे ना तो उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी जो है मीठी आवाज़ वाली जो शहनाई है वो नाना अपने पास रखते हैं बाकी यहाँ रख जाते हैं। तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कौन सी मीठी है, क्योंकि अगर वो बजाते उन्हें इतना बजाना नहीं आता था तो उनसे थोड़ी सुर में मतलब सुर इतना अच्छा नहीं निकल पाता था, तो वो अपने नाना की जो शहनाई है उन्हें लगता था कि वो जानबूझ कर मीठी जो आवाज़ वाली शहनाई है उसे छिपा देते हैं। तो वे उसे ढूंढने लगते और उन्हें शहनाई ना मिलती, और फिर वो कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटककर उसे दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे, बचपन के समय वो फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसों का मिलता था, उस समय जो 3री क्लास का टिकट होता था वो कितने का, 6 पैसों का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। 3 जनों से 2-2 रुपये ले लेते थे, 2-2 पैसे ले लेते थे, फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे और बाद में टिकट खरीदा करते थे लाइन में लगकर घंटों। बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर
ठीक है, बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो अपनी जो पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वह बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाते और कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते और वो सुलोचना की कोई फिल्म को ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना बोलते। और जो हमारा कुलसुम हलवाई था उसकी देसी घी वाली दुकान, ठीक है, उस पर कचौड़ी खाना वो कभी ना भूलते। देखिए, एक तो वो फिल्मों को देखना कभी ना भूलते और एक कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना वो कभी नहीं भूलते थे। ठीक है भाई, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। काशी के जो संगीत आयोजन होता था उसमें वे अवश्य भाग लेते थे, हमेशा भाग लेते थे जब काशी में संगीत आयोजन होता था। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, इनके कई वर्षों से होता था, मतलब संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर यह अवसर हो रहा था जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्ला खान जब काशी के बाहर भी रहते तब भी विश्वनाथ और लेकिन जब भी वो काशी से बाहर जाते, ठीक है, जब भी वो कहीं काशी से बाहर चले जाते तब भी वे अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा ले तब रहते, तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते, मतलब दूसरी कहीं जगह चल पड़े तो जिस तरफ मंदिर था उस तरफ मुंह करके वे बैठते, काशी से बाहर चले गए। मान लो वो कई बार काशी से बाहर चले जाते थे तो जिस तरफ मंदिर था उस तरफ वो मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा लिया कर और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा लिया करते थे। गंगा काशी और शहनाई उनका जीवन थे, गंगा काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है, ये संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्ला खां के शहनाई के दोनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। जब बिस्मिल्ला का शहनाई बजाते थे ना तो दुनिया जो है दीवानी हो जाती थी क्योंकि इतनी अच्छी जो है इनकी सुरीली शहनाई होती थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देश 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहला जैसा स्वाद ना होने के कारण इन्हें कम खलते। क्या हो गया कि 2000 में क्या हुआ, 2000 के बाद जब पक्का महल से मलाई बर्फ वाले थे जो वो चले गए तो जो देसी घी और कचौड़ी और जलेबी में पहला जैसा स्वाद नहीं होता था, ठीक है, इसलिए वो उन्हें कम भाती थी। वे नए गायक और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व प्रति चिंतित रहते, वो हमेशा चिंतित रहते थे कि जो नए गायक है और वादक है उनमें जो आस्था और रियाजों की वो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। बिस्मिल्ला का हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। बिस्मिल्ला का हमेशा दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे क्योंकि वो खुद मुस्लिम थे और खान लगता है उनके पीछे वो खुद मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वो बालाजी मंदिर में अपनी शहनाई बजाते थे। तो एक उन्होंने क्या मतलब हमें दिया, हमेशा ही दो कौमों के बीच में एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली, दुनिया उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां व संगीत नाटक आदि पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। मतलब इन्हें वो इन पुरस्कारों के नाम से वो नहीं जाने जाते, उन्हें जाना जाता है तो अपने संगीत यात्रा के नायक के रूप में क्योंकि वो बहुत अच्छे शहनाई जानते थे, इसीलिए तो हम कहते हैं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इसी नाम से जो है वो जाने जाते हैं। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। सो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।